Hello students, how are you? I am Sanjay Kumar Mishra. Now all of you take out the books of grammar. The first lesson, alphabet fun. Here the names of some words. Put them in alphabetical order by writing A to A is to 1, B is to 2, C is to 3. In the boxes, one has been done for you. So, एक आपके उदाहरण आपके लिए बना दिया गया है. This is C is to 3. तो C क्रो शब्द की शुरुआत जो है वो सी से होता आता है. इसमें आपको राउंड फिगर में 3 लिखा हुआ है. पी पैरोट. तो ये अल्फाबेट. देर आर 26 लेटर्स इन द फ्रॉम ए टू जेड. तो पी का स्थान होता है 16वां. तो हेयर यू राइट 16. पीजियन. पीजियन भी इसका भी शुरुआत पी से होता है, लेकिन पहले आपको डिक्शनरी में पी ए मिलेगा, क्योंकि दूसरा जो लेटर ए है वो पहले आएगा पी आई. आई से पहले ए आएगा, अतः पी ए ये आपको डिक्शनरी में पहले मिलेगा. पैर तो इसकी सामने 16, और ये भी पी 16वां स्थान है. इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पी का 16वां स्थान, यहाँ भी 16 होगा. डक ए बी सी डी. तो ये चौथा अक्षर है, इसलिए यहाँ पर 4. आउल ये आपको 15th लेटर है, इसलिए यहाँ पर 1, 5, 15. ईगल ये 5वां अक्षर है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे. ईमू ये भी 5वां अक्षर, लेकिन डिक्शनरी में आपको सबसे पहले ईगल मिलेगा, ई ए, क्योंकि ई के बाद सेकेंड लेटर ए है और ये सेकेंड लेटर एम है, तो एम बाद में आएगा, पहले ईगल आएगा. था दोनों को 15, 5 और 5. नाउ वी फाइंड द मीनिंग एंड प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स इन ए बुक कॉल्ड द डिक्शनरी. तो डिक्शनरी नामक पुस्तक में हमें शब्दों के अर्थ और उसके उच्चारण ज्ञात होता है. इन अ डिक्शनरी वर्ड्स आर गिवन इन द एबीसीडी ऑर्डर, यानी कि एबीसीडी क्रमानुगत उसमें शब्द दिए रहते हैं. इसलिए दिस इज कॉल्ड अल्फाबेटिकल ऑर्डर. इसी क्रम संख्या को अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं. दैट मेक्स इट इजी टू फाइंड द मीनिंग्स. आपको अर्थों को खोजने में बहुत सहायता प्रदान करती है. वर्ड्स इन अ डिक्शनरी अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर. और इस तरह डिक्शनरी में उस पुस्तक में आपको एबीसीडी क्रमानुगत वर्ड्स पाए जाते हैं. When more than one word start with the same letter, the words are in alphabetical order according to the second letter of the word. तो जैसे कि pigeon, pigeon, P-I-G-E-O-N, pigeon, और P-A-R-R-O-T, parrot, दोनों letters जो हैं वो आपको same P से शुरुआत दोनों का, लेकिन पहले आपको P-A, क्योंकि A का स्थान पहले आता है I से, अतः आपको P-A पहले मिलेगा, उसके बाद आपको P-I मिलेगा. सेकेंड लेटर से आप ज्ञात करेंगे कि पीजियन का आई, यानी कि जी एच ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, एच के बाद आपको आई मिलेगा. पी आई पी में ही दोनों है, लेकिन पहले पैरोट को मिलेगा आपको डिक्शनरी में सब, उसके बाद पीजियन आपको मिलेगा. व्हेन फर्स्ट लेटर्स आर द सेम, वी हैव टू फाइंड द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द थर्ड डिफरेंट लेटर इन द वर्ड्स टू फाइंड देम इन अ डिक्शनरी. जैसे कि पर्ल, पी पेस्ट पेट, तो पी ई ए, पी डबल ई, पी ई एस, पी ई टी. तो पी ई ए आपको तीसरा अक्षर जो है वो पी ई पी ई पी ई पी ई, यानी कि ये दो लेटर्स जो हैं वो सभी में सेम है, लेकिन तीसरा अक्षर, तीसरा लेटर ए है, तो पर्ल का आपको पहले मिलेगा और उसके बाद से पी डबल ई पी, क्योंकि पी आएगा उसके बाद से पी क्यू आर एस, तो एस पी ई एस टी आए, पी ई एस आएगा आपको, और फिर अंत में पी ई टी, एस के बाद टी आता है, इसलिए उसके बाद टी. तो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड पेज नंबर 5. आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. थैंक यू.